हेलो। हाँ जी, जय माता की। जय माता की। आपका शुभ नाम क्या है? अच्छा, मेरा नाम सूरज नारायण अग्रवाल, जयपुर से, प्रॉपर जयपुर, प्रॉपर जयपुर से। अच्छा जयपुर से। मेरी अच्छा आपकी उम्र क्या होगी? उम्र 78 है। 78। मतलब आप बुजुर्ग हैं। हाँ जी, तो आपके साथ क्या परेशानी आई थी? कैसे कैसे क्या हुआ, मुझे आप बताएंगे, जानकारी देंगे? हाँ, परेशानी में YouTube पे देख के 21 सितंबर, 14 सितंबर को गया था पांडव कहाँ कहाँ गए थे आप? का धाम। अच्छा। 14 सितंबर को जाके रसीद कटवाई तो उन्होंने बोला कि रसीद कटवा लो और इंतजार करो। तो रसीद कटवा के 2 दिन इंतजार किया, मैं और मेरी पत्नी दोनों ही गए थे, अच्छा, कितने पैसे की रसीद कटवाई थी? 2100 की। अच्छा वो रसीद कटवा के जब उन्होंने बोला कि आपका नंबर तो 1.5 महीने बाद आएगा, तो हाँ मैं फिर वहां से वापस यहाँ जयपुर आ गया। फिर अच्छा जी। मैंने फोन किया उनको, भाई मेरा 14 तारीख की रसीद है, मेरा नंबर आ गया क्या, कि अच्छा आ जाओ आप। तो मैं फिर चला गया, नंबर आया नहीं, 3-4 दिन रुक गया, फिर नंबर नहीं आया। अच्छा फिर उसके बाद मैंने उनको फोन किया जी, मैं 2 दिन जाके आ गया, मेरा नंबर नहीं आया। तो बोले क्या आप आप आ जाएगा, आप आ जाओ, ज्यादा देर करोगे नंबर निकल जाएगा, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं तो तो मैं आप फिर गया। वहां जाके आप फिर वापस आए हैं एक बार? हाँ जी, अच्छा, मतलब एक बार आप गए, 2-3 दिन बाद फिर वापस आ गए हैं। हाँ, फिर 15 दिन के बाद में फिर गया मैं अच्छा और फिर नंबर नहीं आया। तो फिर वापस आ गया, दिवाली के बाद गया था, फिर नंबर नहीं आया तो वापस आ गया। अच्छा फिर अभी मैंने फोन किया 3-4 दिन पहले, तो उन्होंने बोला कि आ जाओ आप, अभी सितंबर महीने का नंबर चल रहा है। तो मैं चला गया, फिर वहाँ वहाँ गया तो पहले दिन सितंबर वालों के दोबारा वो नंबर लगा रहे थे। तो मैं उस दिन पहुंचा नहीं, मैं दूसरे दिन पहुंचा तो मेरे को कहते हैं कि आपका कल नंबर लगा नहीं, अब तो आपको हफ्ता भर इंतजार करना पड़ेगा। तो मैंने बोला बा हफ्ता भर तो नहीं कर सकता, तो बोले पर्ची को कन्वर्ट करा लो। तो मैंने 18,900 रुपये उनको दे के, मैंने आपको कल फोटो भी भेजी है, अच्छा 18,900 रुपये दे के मैंने 21,000 की पर्ची करवा ली, अच्छा अठारह हजार नौ सौ की। पहले आपकी 2100 की थी, फिर हाँ जी, हाँ जी, आपने 18,000 रुपये और दिए, 18,900। 18,900। हाँ तो फिर तो 21,900 नहीं, अठारह, नहीं, 21,000 हो गए। तो हाँ 21,000 हो गए। फिर उस पे पर्ची पे लिख के दिया, कच्ची पर्ची थी, कागज की, सादे कागज पे, तो लिख के दिया कि 10 और 11 तारीख में 2 दिन में नंबर आ जाएगा। तो 10 तारीख को मेरे को बोला कि शाम को कि आपका नंबर आ गया, आ जाओ। तो मैं गया तो वहां जहाँ दरबार लगता ना, वहां तो देखते नहीं है अच्छा, ये ये 10 तारीख, यहाँ। यही है नवंबर में? हाँ, अभी अभी अच्छा, तो अभी परसों लेटेस्ट तक। बात है, तो 2 दिन पहले। हाँ, अच्छा मैं गया था 8 तारीख को गया था, फिर वापस दिवाली के बाद जाके फिर अभी 8 तारीख को गया था। तो 8 तारीख को गया तो वो पैसे भरने के बाद में कहते हैं अब आपका नंबर आ जाएगा। तो शाम को मेरे को बुलाया, जहाँ अच्छा दरबार लगता है ना हाँ वहां तो बुलाते नहीं है, अच्छा और यहाँ कमरे पे जहाँ पर्ची कटती है वहीं ऊपर कमरे पे देखते हैं। तो वहाँ 4 तो बंदूकधारी रहते हैं इनके पास, अच्छा और गेट पे और आदमी रहते हैं, वो आदमी किसी को जाने नहीं देते अंदर। अंदर जाते हैं फिर वो बैठा देते हैं, जिनका नंबर होता है लाइन में बैठा देते हैं। फिर उसके बाद में महाराज मिलने वाले भी कई नेता नांगड़ा भी आते हैं, नेताजी वगैरह, वो सब सिफारिश वाले पहले आते हैं। फिर वो जाके बंदूकधारी को बोलते हैं, बोले वो कान में कुछ बोलते हैं, फिर उसके बाद में वो कहते हैं बैठ जाओ यहाँ। फिर मैं हम बैठे, हम तो बैठे हैं पहले के, लेकिन उसके बीच में ही इनको बुला के और अंदर भेज देंगे। ऐसे करते करते 2 घंटे लगे, पानी पेशाब के लिए भी वहाँ कुछ नहीं मिलता है, पेशाब करने को भी बाथरूम नहीं है, कहते वहाँ खुले जंगल में जाओ, पानी के लिए कम से कम भी चौथाई किलोमीटर जाना पड़ता है, 250-300 मीटर नहीं जब तो जाके आप तो पानी पानी मिलता की है। बोतल रखते होंगे ना? हाँ अजी, बोतल ले जाना नहीं देते हैं, अच्छा बोतल ले जाना नहीं देते हैं, और वहाँ पानी के बिना आदमी परेशान हो जाता है, निकलने भी नहीं देते हैं। अंदर भी जैसे बंधक बना लिया हो ना, ऐसे बंदूकधारी बैठे रहते हैं, बंदूक बंधक बना लिए ऐसे,
निकलने नहीं देते हैं। ओहो, फिर वो महाराज के पास में गए तो महाराज ने ऐसे तो दरबार में तो कहते हैं पहले लिख के रखते हैं, पर वहां जाते ही नाम पूछते हैं, क्या नाम है आपका, नाम बताया, क्या तकलीफ है, मेरी लड़की बीमार है। मैंने बोला तो उन्होंने कहा क्या नाम है लड़की का, तो मैंने नाम बताया, वो कागज पे नाम लिख लिया। मैंने बोला 2 महीने से बीमार है, कागज पे लिख के दिया। मैंने कहा नहीं, वो तो 2 साल से बीमार है। बोले नहीं नहीं ये मैंने लिख दिया इसमें, जाओ। मैंने कहा जी मेरे परिवार वाले बच्चे हैं, उनके नौकरी नहीं लगे, मैंने सब लिख दिया इसमें, मेरे को भगा दिया, आ गया मैं। फिर मैंने जाके थोड़ी देर बाद में जब सब पब्लिक निकल गई ना, उसके बाद में गया, मैंने जाके बोला महाराज मैं तो इस बात से संतुष्ट हुआ नहीं, तो कहते हैं सवेरे आना, नहीं तो दूसरी बार आप कैसे घुसे वहां, तो घुसने नहीं देते हैं, दूसरी बार तो घुसने नहीं देते ना उसी पर्ची में। नहीं तो मैंने वहां हल्ला मचाया ना, तो मेरे को बुला के अंदर से, वो सब पब्लिक तो चली गई थी, अब ये जाने की तैयारी में थे, तब मेरे को बोला, बोले आप सवेरे आना, आपको सवेरे देखेंगे। तो फिर सवेरे बिना मतलब उसी पर्चियां में सवेरे देख के मेरे को दोनों दिन की पर्चियां बना के दिए, दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, मैंने मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी डाली है। उनमें डिफरेंस क्या है, है? क्या डिफरेंस है? डिफरेंस दोनों की मतलब जो उन्होंने बोला ना भाई ये है, ये तकलीफ है आपको, ये होगा, ऐसा उसमें कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, एक में लिखा है एक में नहीं लिखा है, एक में तो नाम भी लिखा है। अच्छा, नाम किसका लिखा है, बच्ची का? बच्ची का भी लिखा है, और वो कहते हैं कि मैंने इसमें आपके दामाद का भी लिख दिया, पर दामाद का नाम है नहीं उसमें। हाँ, पर मेरे को जवानी बोला के लिख दिया है। मैंने बोला मेरे पोता पोती मेरी बहू इनकी पढ़ाई लिखाई तो है पर नौकरी नहीं है। बोले मैंने इसमें लिख दिया, सब नौकरी सबकी नौकरी लग जाएगी, बस ये लिख के दे दिया। ये कब तक लगेगी, ऐसा कुछ बताया? नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया। अच्छा, और मेरी मेरी लड़की 2 साल से बीमार है, कोमा में है 2 साल से। अच्छा, और इन्होंने लिख के दिया, मतलब इन्होंने बोला, बोले 2 महीने से बीमार है, तो मैंने आते आते बोला महाराज वो तो 2 महीने से 2 साल से कोमा में है। तो कल जो पर्ची बनाई उसमें लिख दिया आपकी लड़की कोमा में है। अच्छा, तो मतलब 2 साल से कोमा में है? है, हाँ। अच्छा, तो इन्होंने 2 महीने बता दिया। हाँ, अच्छा, फिर इस बस फिर कह दिया सब ठीक करेगा ईश्वर, ठीक करेगा, आप तो भगवान की आराधना करो, 5 अमावस्या हो, 3 नारियल बांधो। अच्छा, और फिर उस ये करने के बाद में फिर 5 अमावस्या करो, फिर आपको बताएंगे क्या करना है। अच्छा, हवन वगैरह बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया ना, हवन नहीं बताया, अमावस्या बताइए। अच्छा, अमावस्या और नारियल। हाँ, अच्छा, तो फिर मैं बाहर आके मैंने बोला ये तो गुंडागिर्दी है, आदमी को बंधक बना लिया, एक तरह से बोलने नहीं देते हैं। मैंने बोला महाराज मेरे पैसे या रसीद दो या पैसे दो। बोले कुछ नहीं है, ये बटन दबा के 2 बंदूकधारी को बुला लिया, कहते हैं इसको निकालो बाहर, ये खोपड़ा खाता है। अच्छा, वो मेरे को बाहों से उठा के और बाहर में जीने में बैठा के चले गए। अच्छा, तो मतलब आपने रसीद मांगी कि पक्की रसीद? हाँ, दो भाई पैसे दिए जब। हाँ, तो नहीं देंगे। अच्छा, नहीं देंगे, तो कच्ची में उन्होंने लिख दिया कि जैसे प्रमाण ना कोई बने। हाँ, प्रमाण कुछ है नहीं, प्रमाण तो ये कच्ची पर्ची पे, उनके नीचे एक थोनू महाराज बैठते हैं, उन्होंने कच्ची पर्ची के ऊपर लिख के दिया, तो मैं उनके पास भी गया, उनका महाराज मेरे को ऐसी पर्ची दूसरी बना दो, वो पर्ची तो गुरुजी ने रख ली कि हाँ, नहीं दूसरी नहीं बनती है, बस वो गुरुजी के पास ही जाओ। तो मैं गुरुजी के पास आया, उनका गुरुजी इसकी रसीद दो, कि बोले कुछ नहीं रसीद मिले, भाग यहाँ से। अच्छा, मतलब रसीद हाँ, मांगा आपने तो उसमें उन्होंने डांट दिया। हाँ, अरे ये तो गलत बात है, वो आप तो इतने बुजुर्ग हैं, इसके बाद ऐसे कैसे वो डांट सकते हैं। हाँ, फिर मैंने उनको बोला अगर आप नहीं दोगे तो मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा। हाँ, तो बोले कहीं भी बैठ जाए तू, भगना यहाँ से। अच्छा, मतलब किसी भी तरह का आप सपोर्ट नहीं किए, और उस काम से संबंधित आपको प्रॉपर वे में सही जानकारी जवाब नहीं मिला, और पब्लिक भी ऐसी है जी, पब्लिक भी कोई, मैं वहाँ रेडियो की तरह से
मेरी तो आवाज तो तेज है, अभी आप महसूस कर रहे होंगे। जी तो मैं तो रेडियो की तरह से चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, लेकिन कोई पब्लिक वाले भी ऐसे नहीं है। मैं कहता हूँ ये लूटते हैं बोली वाली पब्लिक को, तो पब्लिक भी ये नहीं है कि हाँ लो हम आपके साथ चलते हैं, क्यों नहीं रसीद देंगे, रसीद तो देनी चाहिए। मतलब कुल मिला के उन्होंने आपसे 21,000 ले लिए, और आपने दो चार बार गए तो उसमें भी कुछ पैसे लग गए होंगे, एक दो बार गए है ना? लगते ही है 1500 रुपये तो ऊपर कमरा, दो बार मेरी पत्नी के साथ गया जब, तो 1500 का कमरा देते हैं, उसकी भी कोई रसीद नहीं देते हैं। अच्छा, केवल पैसे लिए जाते हैं, रसीद नहीं दिए जाते। अब खाना खाने का क्या व्यवस्था है? हैं? खाने की? खाने की तो वहाँ भंडारा लगता है, उसमें खाओ। वो तो हम भंडारे में तो खाते नहीं है, क्योंकि वहाँ हम कुछ दे नहीं सकते, तो उनका खाएं क्यों? हम सवेरे शाम भंडारा चलता है, कुछ नहीं, चावल दाल तो सवेरे देते हैं, पत्तल में डाल देते हैं, जैसे भिखारी को डालते हैं ना, ऐसे पत्तल में डाल देते हैं, बिना चम्मच के हाथ से सबर सबर के खाते रहो। आधे कपड़े पे गिरेगी, आधी जमीन पे गिरेगी, जमीन पे गिर जाएगी तो बोलेंगे ए इधर आ, तू खाया क्या यहाँ? बोले हाँ, तो साफ कर इसको। अच्छा, ये कितने बजे से भंडारा चलता है? कितने बजे से कितने बजे तक? भंडारा तो सवेरे 10 बजे शुरू होता है, हाँ। तो 12-1 बजे तक रहता है। अच्छा, और शाम को? शाम को 5 बजे 6 बजे शुरू होता है, अभी तो 6 बजे शुरू होने लगे। हाँ। तो 6 बजे से लेके फिर जब तक आदमी आते रहते हैं, खाते रहते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब भंडारा प्रॉपर चलता है, पर दाल सुबह दाल चावल और शाम को पूरी सब्जी। पूरी सब्जी, आलू की सब्जी, आलू की बोरियां मंगा के रखते हैं 10-20 बोरी, तो बस उसी को उबाल उबाल के, पहले का बच गया तो आज का आलू बच गया, दूसरे दिन सवेरे मिला के दे देंगे। अच्छा, ऐसा भी करते हैं? हाँ। तो ये तो आपके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, नाइंसाफी है। बहुत बहुत हुई है, क्या करें साहब। अब मैं तो वहाँ हर आदमी को बोल के आया, मन का मेरे जैसे अगर 4 आदमी मिले तो इनको बता दूं, एक दूसरे दिन दरवाज लगाना भूल जाएंगे, पर कोई साथ ही देने वाला नहीं है। जी जी, तो आप अगर पैसे कम पड़ जाते हैं तो किसी से ले भी नहीं सकते। हाँ, कोई देगा क्यों देगा, क्यों देगा? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और ये ऐसा है कि आपके साथ सचमुच में गलत हुआ है, और लोगों के साथ गलत हो भी रहा है। हाँ, इसी तरह से बहुत लोगों गलत ने... हो रहा है साहब जी, लोगों से पैसे लेके और उन्हें कोई भी कुछ सही जानकारी नहीं दी जाती, उनके कार्य भी प्रॉपर कैसे होंगे जब सही जानकारी तक नहीं दी जाती है। देखो, एक गद्दा लेते हैं ना सोने के लिए, हाँ, तो 100 रुपए लेते हैं उस गद्दे के, 500 रुपए तो जमा कराओ, 100 रुपए का गद्दे का किराया है रोज का, और फिर वो उसको 2 दिन बाद जमा कराने जाओगे तो आपको पहले के 500 में से 200 रुपए काट के 300 दे देंगे। हाँ, और वो किराया, वो गद्दे भी ऐसे हैं जिसको पकड़ के झाड़ू ना तो कम से कम 1 किलोमीटर निकल जाएगी। अच्छा अच्छा गंदे रहते हैं, बहुत गंदे। ये तो और गलत बात है भाई, पैसे ले रहे हैं तो साफ सुथरा देना चाहिए। ऊपर एक कमरा देते 500 रुपए का जिसमें लेट्रिन बाथरूम नहीं है, वो 500 मीटर आगे जाके लेट्रिन बाथरूम है कॉमन। तो वो इन्हीं का है कि गांव वालों का? नहीं, इनका है। अच्छा, जहाँ हमारा देखते है ना ऊपर, हाँ, उसी पे कमरे हैं, 500 रुपए रोज लेते हैं, 1500 भी लेते हैं जिसमें एसी लेटरिन बाथरूम सब है, और 500 रुपए वाले में कोई भी सुविधा नहीं है, पानी का नल भी नहीं है, वो आदमी सब बाहर जाओ। अच्छा, तो और नीचे नीचे बरामदे में जहाँ टिकट टोकन कटता है ना, हाँ, वहाँ पे हम तो फिर हमको ये कह दिया कि आपका नंबर निकल जाएगा अनाउंसमेंट के बाद में, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो आप तो यहीं बैठ जाओ। तो जहाँ टोकन काटने में तो वही जमीन पे मेरी चादर बिछा के 2 दिन बैठ गया। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और ऐसा है कि हम क्या कर रहे हैं कि आपकी वीडियो बना के हम YouTube में लोड करेंगे, आपकी सहमति है? हाँ जी, बिल्कुल सहमति है। जी जी, जिससे आपकी सहमति मिल गई तो हम इस वीडियो को डाल रहे हैं। और आप अंतिम में मुझे समाज को क्या मैसेज देना चाहें, आप बोलना चाहें तो बोल दे। मैं कहता हूँ कि कोई भी आदमी वहाँ जाने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि पर्चियां जैसे बनाई है ना, मैंने स्वयं देखा है कि किस तरह से पर्ची बनाते हैं,
ये सब नाटक है जो दरबार में दिखाते हैं ना, पहले नाम लिखते हैं और बता देते हैं, वो 5 मिनट का टाइम लेंगे, बोले देखो सामने देखो अपनी फोटो लगा रखी है, सामने देखो मुंह उल्टा करवा देंगे और उधर देख के फिर क्या क्या पूछ, पहले पूछ लेंगे सब बात और फिर उसमें पर्चे में लिख के कह देंगे ये लो जाओ तुम्हारा हो गया डाटा खत्म। अच्छा डाटा खत्म हो गया। हाँ तो ठीक है, मैं आपकी वीडियो डाल रहा हूँ, मुझे आप जो अपनी एक फोटो तो आपने भेज दिया है क्या? भेज दिया, और ये रसीदें जो मिली होंगी वो और कच्ची हाँ, वो भी सब भेज दिया आपको। अच्छा सब भेज दिया है मुझे। हाँ तो ठीक है, मैं इसको वीडियो बना के डाल रहा हूँ और आपका मैसेज भी समाज तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ और इन लोगों तक भी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हाँ। जिससे जो ये तो काम के नाम से पैसे ले रहे हैं तो काम कर दें, और अगर काम नहीं कर सकते हैं तो पैसे वापस करें। नहीं एक बात बताओ, गवर्नमेंट की कोई पाबंदी नहीं क्या इन पे? गवर्नमेंट की पाबंदी बिल्कुल होती तो जरूर, ऐसा नहीं होता, और शासन प्रशासन से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि वो अपने संज्ञान में लें और यहाँ पर जिस तरह की लुटाई चल रही है उसकी जांच करवाएं। क्योंकि मैंने कल जब इनको अनशन के बाद बोली ना, हाँ। तो सर ये क्या बोले, वहाँ पे एक पुलिस चौकी है, हाँ। तो वो पुलिस चौकी वालों को ये पैसे देते होंगे, हाँ। तो मेरे को एक ने बोला तुम काय के चक्कर में जा रहे है, तुम अगर अनशन पे बैठ गए ना तो पुलिस वाले तुमको और खराब कर देंगे, यहाँ पहले एक आदमी को मार दिया है जिसका पता नहीं चला कि वो आदमी गया कहाँ, उसके घर वाले आए तो उनको आदमी मिला नहीं, तो आप इस चक्कर में मत जाओ। और ये तो मैं भी समझता हूँ कि यहाँ 51-51 देने वाले आते हैं तो वो पैसा तो इनके पास में है ही, चौकी इनके चौकी इनके परिसर में पुलिस चौकी, अब वहां मैं जाऊंगा तो वो इनकी सुनेगा कि मेरी सुनेगा? बिल्कुल सही बात, इसलिए मैं पुलिस चौकी में गया नहीं। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी आप ये वीडियो बनाओ ना, तो आप गवर्नमेंट चैनल वाले कोई भी, जैसे इतने चैनल आते हैं और खबरें तो सारी टीवी के चैनल पे आती है, ये खबर क्यों नहीं चैनल पे आती है, ये यूट्यूब पे क्यों आती है, टीवी चैनल पे क्यों नहीं आती है, आज तक पे या और किस पे क्यों नहीं आती है? हम सभी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और सब लोगों से बात रखेंगे, आग्रह करेंगे कि वो इसको वीडियो को सब तक पहुंचाएं, हम ऐसे ही कोशिश करेंगे। हाँ क्योंकि अगर चैनल वाले वहां जाके दो रिपोर्टर भी जाके खड़े हो जाए ना तो इनके सिक्की पिट्टी गुम हो जाए। आप देखो आप जो कह रहे हैं हम बिल्कुल बात पहुंचाएंगे और आपका मैसेज भी पहुंचाएंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अभी जय माता करूंगा जिससे मैं आगे कार्यक्रम प्रोसेस कर सकूं। सर हर 10 कदम पे सादा वेश में इनके आदमी रहते हैं, जैसे मैं खड़ा होकर बात करता हूँ ना, हाँ। तो मेरे पास में 4 आदमी आ जाएंगे, वो सब बात सुन के और वो ये बोलेंगे क्या है क्या बात कर रहे हो, जाओ जाओ सर को यहाँ से भीड़ मत करो, ऐसे बोलते हैं। अच्छा अच्छा हर 10 कदम पे इनके आदमी है। तो ये भी आप वीडियो में डाल दीजिए कि वहाँ परिसर में आदमी तो बहुत भीड़ है, सबको किसी को बोलते हैं 2 अमावस्या करो, किसी को 4 किसी को 10, तो वो भीड़ तो ये खुद अमावस्या करके बैठाते बढ़ाते हैं, और वो मतलब उन आदमियों को भी क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं तनख्वाह पता नहीं है, पर ये मैंने महसूस किया कि आदमी तो सब इनके ही है वहाँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सारी बातें जो आपकी हमारी बात हो रही है इस वीडियो के माध्यम से समाज तक हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल हाँ समाज तक पहुंचाओ, प्रशासन तक भी पहुंचाओ। बिल्कुल प्रशासन तक भी पहुंचाएंगे, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है, और ठीक है जय माता की। तो ये मेरा वीडियो कब आएगा मेरे को कैसे पता आज, आज आ जाएगा आज ही? हाँ अच्छा हाँ शाम के पहले पहले आ जाएगा। अच्छा ठीक है हाँ, ये फेसबुक में भी आएगा यूट्यूब में भी आएगा। ठीक है सर जी, जय माता की जय माता की।